नमस्कार आदाब, मैं हूं आपके साथ अनम और आप देख रहे हैं अमरनाथ समाचार न्यूज चैनल। आइए दिखाते हैं इस वक्त ताजा। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ग्रीन एप्पल होटल में की एक समीक्षा बैठक, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ अफान अख्तर की रिपोर्ट। अवगत करा दे की देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो रहे हैं। सभी जाति व धर्म के हमारे पूर्वजों ने विदेशी ताकत के चंगुल से मुक्त कराने के लिए अपनी कुर्बानियां दी तथा देश में एक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने का सपना देखा था, लेकिन हम पिछले 8 दशकों में देख रहे हैं कि देश और गरीब होता जा रहा है। इसके अलावा पूरे देश में फासीवादी तथा सांप्रदायिक ताकतों के दुष्प्रसार के साथ सदियों से सामंजस्यपूर्ण और सामाजिक ताने बाने लुप्त होते जा रहे हैं। 2014 से केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद देश में लोकतंत्र लगातार कमजोर होता जा रहा है। कानून व्यवस्था की स्थिति बस से बदतर होती जा रही है। कानून की बलादस्ती खत्म हो गई है। प्रदेश सरकार द्वारा जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध उठने वाली हर आवाज को दबाने और कुचलने के लिए कानून को बेजा इस्तेमाल हो रहा है तथा पुलिस राज स्थापित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अपना तथा अपनी पार्टी के अन्य अपराधियों के विरुद्ध मुकदमे वापस लेकर कानून की धज्जियां उड़ा रहे तथा पूरे प्रदेश में घूम घूम कर उत्तेजक भाषण दे रहे हैं। सत्ता पक्ष और उससे जुड़े संगठनों के लोग अपने आप को कानून से ऊपर मानकर काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार, लूटमार, बलात्कार, जाति हिंसा और एनकाउंटर की वारदातें चरम सीमा पर हैं। महिलाएं, बहु बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। योगी सरकार के बीते 4.5 साल के दौरान ऐसी घटनाएं भारी पड़ी हैं जिन्हें सरकार की सर पर सत्ता पक्ष से जुड़े अपराधों के संरक्षण में खड़ी है। मौके पर उपस्थित लोग अब्दुल मोईद हाशमी के शुएब हसन, महासचिव पश्चिम उत्तर प्रदेश नूर हसन, सचिव पश्चिम उत्तर प्रदेश शकील सुलेमान, जिला अध्यक्ष मुजफ्फरनगर राकिब राणा, मीडिया प्रभारी पश्चिम उत्तर प्रदेश उपस्थित रहे। जी, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, क्या उद्देश्य था? उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आज कानून व्यवस्था की बिगड़ती हुई सूरत हाल है, जिस तरीके से आज यहाँ दलितों, मजदूरों, किसानों, गरीब वंचित वर्ग के लोगों का के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, सरकार पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर कायम करने में विफल हो चुकी है और अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए प्रदेश सरकार आज सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही है। जात और एक जात से दूसरे जात के लोगों के बीच में नफरत पैदा कर रही है, एक मजहब के मानने वालों से दूसरे मजहब के मानने वालों के बीच में नफरत पैदा कर रही है और सरकार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। इससे इस देश में, सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में लोकतंत्र को खतरा पैदा हो गया है। जो हमारी संवैधानिक और लोकतांत्रिक मर्यादाएँ हैं, जो उसके मूल्य हैं, वो कहीं ना कहीं से प्रभावित हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। ऐसी सूरत में इस देश में, प्रदेश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से मुजफ्फरनगर की धरती से 11 दिसंबर को नुमाइश के रूप में एक उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। उसकी क्या ये जो लोकतंत्र सम्मेलन होगा, ये राजनीतिक होगा या अराजनीतिक? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते राजनीतिक सम्मेलन होगा। तो आप का 2022 के चुनाव में किस तरह किसी पार्टी से? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक पॉलिटिकल पार्टी है और 2022 के चुनाव में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मजबूती के साथ अपनी सक्रियता निभाएगी। अब उसके लिए अगर समान विचारधारा वाली पार्टियां हैं, तो अलायंस की बातें सबसे एक दूसरे से चल रही हैं। अगर कोई अलायंस करता है तो अलायंस करेंगे, अन्यथा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में हिस्सा लेंगे। सभी सीटों पर ये तो अभी हम नहीं कुछ कह सकते हैं, सभी सीटों पे या किस सीटों पे, ये बात की बात है। जब इलेक्शन का ऐलान होगा तो हम सीटों का ऐलान करेंगे। तो जो नुमाइश पंडाल में आपका सम्मेलन होने जा रहा है, किन मुद्दों को लेकर सम्मेलन होगा? लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र के मुद्दों को, इस देश में जो न्याय व्यवस्था, जो कानून व्यवस्था का उल्लंघन हो रहा है, उसको पामाल किया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, सरकार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, उसको ताकत से रोका जा रहा है, उसके खिलाफ जनजागरण के लिए सम्मेलन किया जा रहा है, लोकतंत्र सम्मेलन का लोकतंत्र की रक्षा की जा रही है, लोकतंत्र को बाहर किया जा रहा है। बताया जा रहा है इस सम्मेलन में कितने लोगों के आने के लिए? ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश का